Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I very welcome you students to this today's VTC MCGM online class. And in this session today, we are going to learn about angles and angle pairs in standard 7th mathematics subject. So angles and pairs of angles, जाविये और जावियों की जोड़ियाँ. तो जाविये और जावियों की जोड़ियों में बच्चों लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि जाविये के अंदरून और बैरून, द इंटेरियर एंड एक्सटेरियर ऑफ एन एंगल. इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था एडजेसेंट एंगल के बारे में, यानी मुत्तसला जाविये के बारे में हमने यहाँ पर मालूमात हासिल की थी. ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर ख़ास तौर पर आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यानी कि मुकम्मला जाविये और मुतमिम जावियों के बारे में आज के सेशन में हम मालूमात हासिल करेंगे. साथ ही हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारी मशकी सेट का जो 16 और 17 से कुछ चुनिंदा सवालात भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुकम्मला जाविये यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों. तो स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, If the sum of the measures of two angles is 90, the angles are said to be complementary angles. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि अगर दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो, कितना हो 90 दर्जे हो, तो इन जावियों को मुकम्मला जाविये कहते हैं. ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अगर दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो तो इन जावियों को मुकम्मला जाविये कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस फिगर में हम जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन द फिगर एंगल PQS एंड एंगल SQR कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, इस शक्ल में हम देख रहे हैं कि जाविया PQS और जाविया SQR एक दूसरे के मुकम्मला जाविये है. ठीक है, कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के मुकम्मला जाविये है. ठीक है, इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आपको जो जाविया यहाँ पर PQR दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक जाविया, आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये एक कायमा जाविया है ना. ठीक है, तो आपको मालूम है कायमा जाविया जो होता है तो उसका मजमुआ, उसकी पैमाइश का जो मजमुआ होता है वो कितना होता है, 90 दर्जे होता है ना. 90 दर्जे की पैमाइश का जो जाविया होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. तो ये फिगर आपने ऑब्जर्व किया है. ठीक है, नाउ यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं. एक इस एग्जांपल में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फिगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन द फिगर मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू 60 degree एंड मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 30 degree. ओके, सो हेयर आर द टू एंगल्स ऑन योर स्क्रीन एंड दैट एंगल्स आर ऑफ 30 degree एंड 60 degree. सो यहाँ पर हम जो एंगल्स देख रहे हैं उन एंगल्स की अगर हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं दोनों एंगल्स को, ठीक है, यानी मैं मेजरमेंट एंगल PQR प्लस मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू PQR कितना है 60 degree एंड ABC कितना है 30 degree, सो द एडिशन विल बी 90 degree है. ओके,
सो हमें यहाँ पर देखना है कि जो पी क्यू आर जाविया है और जाविया ए बी सी है, ये मुकम्मला जाविये है, ठीक है। इससे बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। Here we can see the angle PQR and angle ABC are complementary angles. Okay, so यहाँ पर हमें याद रखना है कि PQR जाविया और ABC जाविया एक दूसरे के तकम्मुला यानी कि complements है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि angle PQR and angle ABC are complements of each other. Okay, यहाँ पर आपको ये बेसिक मालूमात है बच्चों, ये मालूमात आपके जहन में आपको महफूज रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं 16 और उसके क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई है, इनके मुकम्मला जावियों की पैमाइश हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 40 दिया हुआ है, 40 दर्जे 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट करेंगे कि 40 दर्जे के मुकम्मला जाविये की पैमाइश एक्स डिग्री है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर पहले फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी मसावत इस तरह से बनेगी, इसलिए 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड स्टेप में कि 40 प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 90 माइनस 40, ठीक है। तो मुकम्मला जाविये हमें यहाँ पर मालूम है कितने दर्जे के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 90 लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर के नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 40 40 जो है तो कैंसिल हो जाएगा, और 50 में से यहाँ पर आप देखेंगे 90 में से 40 माइनस की तो हमें यहाँ पर 50 मिलेगा इस तरह से, ओके। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तरफेन में से जो है तो 40 तफरीक करने पर हमें कितना मिला है, 50 मिला है ना। सब्सट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम बोथ साइड्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 40 डिग्री इज 50, ओके। इस तरह से हमें यहाँ पर बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 63 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पैमाइश दी हुई है और इनके मुकम्मल जावियों की पैमाइश हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका स्टेप इसी तरह से तैयार किया है, फर्स्ट किया है कि 63 डिग्री मुकम्मला जावी की पैमाइश जो है तो एस एक्स डिग्री है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 63 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, इस तरह से हमारी ये मसावात यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 63 में हम देखेंगे यहाँ पर तरफेन में से 63 तफरीक करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वाइल वी आर सब्सट्रैक्टिंग 63 फ्राम बोथ साइड्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू बी 27, ओके। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 इज 27, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरह से सवाल दिए जाए तो उसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद से आपको इस तरह से जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसे आप नोट डाउन भी कर लें ताकि सेशन के आप बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज से देख लेते हैं, जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री का अगर एंगल है तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट किया है कि 45 डिग्री मुकम्मल जावी की पैमाइश एक्स है, ठीक है। यहाँ पर लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री बी एक्स डिग्री,
So then 45 plus x is equal to 90. Then 45 plus x minus 45 is equal to 90 minus 45. Subtracting 45 from both sides, the answer will be x is equal to 45. Okay, the complementary angle of 45 degree is 45. Okay, like this we can find out the questions answer of this question. Okay, so यहाँ पर बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर क्वेश्चन का, ठीक है, और उसको जो हमने सॉल्व किया है उसका, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आसानी से जो है तो इन सवालों को जब हल करने बैठेंगे तो आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम्पल रेडी रहेगी। ओके, अब यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यानी कि मुतमिम जाविये जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्क्रीन पर बच्चों आप यहाँ पर एक फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ख़त ए बी पर कोई नुक्ता टी है, यहाँ पर हमने उसे बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो है तो एंगल ए सी है, ख़त ए बी है यहाँ पर, ख़त ए सी है यहाँ पर, और उस पर नुक्ता जो है तो बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जाविया यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी, ये किस किस्म का जाविया ये हमें बताना है। इन द फिगर बी इज़ अ पॉइंट इन द लाइन ए सी, व्हाट टाइप ऑफ एंगल एंगल ए बी सी एंड व्हाट इट्स मेज़र, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड सिक्स में पढ़ा था इस तरह से जो जाविया होता है वो जाविया कौन सा होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर से याद होगा कि जाविया ए बी सी, ये जाविया एक मुस्तकीम जाविया है, क्योंकि इसकी पैमाइश कितनी है, इसकी पैमाइश अगर हम करें, इसके ऊपर डिग्री अगर हम रखें, देन विल गेट ए डैट एंगल ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल एंड इट मेज़र इज़ 180 डिग्री। ओके, तो आपको ज़रूर से याद होगा बच्चों, ये आपकी जो है तो यहाँ पर हम इस तरह से मालूमात जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उस पर बेस करती हुई नॉलेज हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि एंगल ए टी बी इज़ अ स्ट्रेट एंगल एंड इट मेज़र इज़ 180 डिग्री। ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों के जिन दो जावियों की पैमाइशों का मजमू 180 दर्जे होता है, एक दूसरे के मुतमिम जाविये कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के मुतमिम जाविये कहलाते हैं। सो लाइक दिस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी मुतमिम जावियों के बारे में। तो यहाँ पर हम एक फिगर है, इस फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि इस शक्ल में आप देखेंगे कि नुक्ता बी ख़त ए सी पर एक नुक्ता है, ठीक है, और बी डी एक शुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप को ध्यान से जो है तो इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो दो जाविये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए बी डी एंड डी बी सी, ये दो जाविये यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इन द फिगर बी इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन ए सी, बी डी इज़ अ रे, टू एंगल्स एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर फॉर्म्ड हेयर। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हमें यहाँ पर, हमें देखना है यहाँ पर कि दो एंगल्स है ना। तो इन दो एंगल्स में, इन द फिगर बी इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑन लाइन ए सी, बी डी इज़ अ रे, ओके, एंड टू एंगल्स एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर हेयर, ओके, आर फॉर्म्ड हेयर। सो मेजरमेंट एंगल ए बी डी प्लस मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 120
डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 180 डिग्री, कितना मिलेगा 180 डिग्री। सो यहाँ पर जो साइन है वो गलत टाइप हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की साइन होना चाहिए, यानी कि 120 दर्जे जमा 60 दर्जे बराबर 180 दर्जे, इस तरह से ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से कि अगर हम यहाँ पर दो एंगल ए बी डी और डी बी सी को देख रहे हैं, तो एक 120 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, इन दोनों की जमा करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इन द फिगर ए बी डी एंड डी बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ईच एंगल इज सेट टू बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शक्ल में कि जाविया ए बी डी और जाविया डी बी सी मुतमिम जाविये है, और हर जाविये एक दूसरे को, हम देखेंगे हर जाविये को दूसरा जाविये का मुतमिम जाविया कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि दो जावियों की पैमाइशों का मजमू जो है तो 180 दर्जे हो तो इन्हें मुतमिम जाविये कहते हैं, ठीक है। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द सम ऑफ देयर मेजर्स इन इज 180 डिग्री, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पर हम जो है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो फिगर्स का, ठीक है। हेज अ फिगर एंड दैट फिगर्स इज ऑन योर स्क्रीन। इन द फिगर मेजरमेंट एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यहाँ पर अगर आप दोनों भी एंगल्स को देख रहे हैं सो वन एंगल मेजर इज 130 ऑफ पी क्यू आर एंड ए बी सी एंगल इज ऑफ 50 डिग्री एंगल। सो द बोथ एंगल्स, इफ यू आर डूइंग एडिशन ऑफ the both angles we are getting 180 degree. So like this, angle ABC and angle PQR supplementary angles, ठीक है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जाविया ABC और जाविया PQR का मुतमिम है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि angle ABC is the supplement of angle PQR। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जाविया ए बी सी जो है तो जाविया पी क्यू आर का मुतमिम जाविया है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर इज़ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जाविया पी क्यू आर जाविया ए बी सी का मुतमिम जाविया है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है तो ये दोनों जावियों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना है। हेयर देन ए बी सी एंगल एंड पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ए बी सी एंगल इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ पी क्यू आर एंड पी क्यू आर एंगल इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। सो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड द supplementary angles and supplements, okay, ठीक है। यहाँ पर मुतमिम जाविये किस तरह से होते हैं वो हमारी समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो दिया हुआ है मशकी सेट 17 में कि ज़ैल में दिए हुए जावियों के मुतमिम जावियों की पैमाइशें लिखिए। राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले स्क्रीन पर 15 दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर, इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 15 डिग्री बी 5x डिग्री, ओके। सो देन विल गेट एयर 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पर मुतमिम जाविये कितने दर्जे के होते हैं, 180 दर्जे के होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। देन
15 plus x minus 15 is equal to 180 minus 15. ओके, यहाँ पर आपको याद होगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, तरफेन को जो है तो हमने यहाँ पर 15 यहाँ पर तफरीक किया है, ठीक है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमें यहाँ पर क्या होगा, 15 यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 165, ठीक है. तो इस तरह से हम देखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 15 डिग्री इज 165. ओके, लाइक दिस वी कैन डू दिस एक्सरसाइज. ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. एंड ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 17 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन इज 85 डिग्री. ओके, supplements of angles given below is 85 here. So the solution of this one is, let the measures of the supplementary angles of 85 be y. Okay, हमने फर्स्ट किया कि 85 डिग्री के मुतमिम जावी की पैमाइश जो है तो वो y दर्जा है, ठीक है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इस तरह से जो है तो मसावात बनेगी यहाँ पर 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर 85 को इस तरह से लेकर बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को. सो 85 प्लस वाई माइनस 85 इज इक्वल टू 180 माइनस 85. ओके, सो 85 कैंसिल होगा और हम देखेंगे यहाँ पर कि 180 में से माइनस करें अगर 85, सो द आंसर विल बी 95, y इज इक्वल टू 95. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 85 दर्जे का मुतमिम जाविया 95 दर्जे का है. इस तरह से हमें समझ में आती है द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 85 डिग्री इज 95 डिग्री. इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है. इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे आगे, ठीक है. जो आगे के क्वेश्चंस है वो बच्चों आपको अपने तौर पर हल करने हैं, ठीक है. तो होप यू अंडरस्टैंड दिस आर टुडेज टॉपिक अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो डू दिस प्रैक्टिस सेट 17 from yourself and best of luck. Assalamu alaikum.